अमित शाह के बेटे जय शाह के लिए बीसीसीआई गई थी क्या सुप्रीम कोर्ट? क्या गांगुली बीसीसीआई से होंगे आउट? जय शाह बनेंगे अध्यक्ष? बीसीसीआई ने बदल दिया अपना संविधान, नंबर में कई बड़े खिलाड़ियों का नाम। गांगुली गए तो क्या तेंदुलकर, धोनी या विराट को मिलेगी जिम्मेदारी? क्या है लोढ़ा समिति की सिफारिशें जिससे गांगुली शाह ने जीती कुर्सी? फिर नए लोगों की होगी एंट्री? अमित शाह के बेटे जय शाह का कुछ ही दिनों में प्रमोशन होने वाला है। अब वो बीसीसीआई के सचिव के बाद बीसीसीआई के अध्यक्ष बन जाएंगे। फिलहाल सौरभ गांगुली अध्यक्ष हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि आप दोनों अगले 3 साल के लिए इस पद पर रह सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके गांगुली की छुट्टी होने वाली है। इस कहानी को समझने के लिए आपको 15 साल पहले चलना होगा, जब साल 2007 में आईपीएल आने के बाद बीसीसीआई दुनिया की सबसे रईस बोर्ड के साथ साथ भ्रष्ट संस्था भी बन गई थी। यहां अध्यक्ष पद को लेकर इतनी मारामारी होती थी जितनी चुनाव में नहीं होती। महाराष्ट्र के बड़े नेता शरद पवार भी इसके अध्यक्ष रह चुके हैं, जिन्होंने आईपीएल को लॉन्च किया था। और फिर उसके बाद तो बीसीसीआई में इतने बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार हुआ कि श्रीनिवासन और जगमोहन डालमिया जैसे बीसीसीआई के अध्यक्ष पर कई गंभीर आरोप लग गए। ये वो दौर था जब अपने सगे संबंधियों को लोग इस संस्था में पैसे कमाने के लिए बैठा रहे थे। ऐसे कई आरोप मीडिया रिपोर्ट्स में भी सामने आए। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई जिसमें क्या कुछ है आप भी सुनिए। जस्टिस आर एम लोढ़ा की अगुवाई वाली कमेटी ने साल 2018 में कहा था कि बीसीसीआई का अध्यक्ष हो या फिर राज्य क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष, वो लगातार 6 साल तक ही पद पर बना रह सकता है। इसमें 3 साल राज्य क्रिकेट बोर्ड में और 3 साल बीसीसीआई में। अगर किसी को उसके बाद भी पद पर बने रहना है तो 3 साल का ब्रेक लेना होगा। इसे अंग्रेजी में कूलिंग ऑफ पीरियड कहा जाता है। अब यही नियम सभी पदाधिकारियों पर लागू होता है। ये नियम इतना असरदार रहा इससे बीसीसीआई में भ्रष्टाचार की शिकायतें गुम हो गई। नियम के हिसाब से अक्टूबर 2019 में अध्यक्ष बनने वाले गांगुली और सचिव बनने वाले जय शाह का कार्यकाल अक्टूबर 2022 में खत्म हो रहा था, लेकिन उससे पहले ही कहानी बदल गई। साल 2019 में ही बीसीसीआई सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और कहा कि जज साहब, ये नियम तो ठीक है, हम चाहते हैं कि बीसीसीआई अध्यक्ष हो या सचिव या फिर कोई भी पदाधिकारी, उन्हें लगातार 6 साल तक काम करने का मौका दिया जाए। उसके बाद ही कूलिंग ऑफ पीरियड का नियम लागू हो गया। राज्य बोर्ड और बीसीसीआई को एक में नहीं मिलाया जा सकता। जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस सीमा कोहली की बेंच ने बीसीसीआई की बात को सही मानते हुए कहा कि आप अपने नियमों में बदलाव कर सकते हैं। इस फैसले के बाद देश भर के क्रिकेट प्रेमियों को ये लगा कि अब गांगुली और जय शाह की अगले 3 साल तक अपने अपने पदों पर रहने की छूट मिल गई है। लेकिन फैसला आते ही उसी शाम खेल पलट गया। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि 15 राज्यों संघों ने जय शाह को बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में सपोर्ट किया है। कई सदस्यों ने महसूस किया है कि जय शाह के प्रयासों के कारण ही इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल कोविड-19 महामारी के दौरान संभव हो पाई थी। जय शाह की वजह से ही बीसीसीआई ने आईपीएल के मीडिया राइट्स को 48,390 करोड़ रुपए में बेचा और बोर्ड का खजाना बढ़ाया। अगले कुछ दिनों में बोर्ड की सालाना बैठक होगी और फिर चुनाव को लेकर ऐलान हो सकता है, जिसमें तय माना जा रहा है कि जय शाह अध्यक्ष चुने जाएंगे, जिसके बाद गांगुली हो सकता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड में जाने की सोचे या फिर उन्हें कुर्सी छोड़ने का इनाम राज्यसभा भेजकर भी दिया जा सकता है, क्योंकि माना जाता है कि गांगुली की धोनी से अच्छी नहीं बनती, इसलिए 3 सालों तक दोनों साइड रहे। आखिर में विराट को कप्तानी छोड़नी पड़ी और उसी वजह से उनका परफॉर्मेंस भी नहीं रहा। लेकिन कहते हैं कि गांगुली पर भी प्रेशर था। अब अगर गांगुली गए तो धोनी और विराट को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी जय शाह को काफी पसंद हैं। इसके साथ साथ क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को भी कई अहम जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसके बाद टीम इंडिया मजबूत होगी। धोनी युग, विराट युग और तेंदुलकर युग अगर एक साथ आ गए
तो दुनिया के किसी भी टीम को भारत को हराना आसान नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं कि आगे होता क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।